जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर सूरजकुंड धाम जीर्णोद्धार समिति के तत्वावधान में मंगलवार को सूरजकुंड पोखरे पर स्वयंसेवकों द्वारा दीप प्रज्वलित कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर वृक्षारोपण भी किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तथा कश्मीर के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। इस दौरान पार्टी के महानगर महामंत्री देवेश श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष डॉक्टर शशिकांत सिंह, मंडल अध्यक्ष सूर्य प्रकाश, समरेंद्र कुमार सिंह, शीतल कुमार मिश्र, अमित कुमार श्रीवास्तव, अमरदीप गुप्ता, सूरज शर्मा, रवि प्रताप रावत, अभिषेक निषाद, सुनीता गुप्ता, अजीत सिंह, प्रिंस कुमार, मीना श्रीवास्तव, दीपा पांडे, आदर्श पासवान सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्टी के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा, भारत माता की जय। भारत माता की जय। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, हर हर बम बम, हर हर बम बम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हमारे महानगर के यशस्वी महामंत्री श्रीमान देवेश श्रीवास्तव जी, आपका विशेष अभिनंदन। डॉक्टर शशिकांत जी, आपका विशेष अभिनंदन है। अवसर पर मैं अपने महानगर के अध्यक्ष जी से आग्रह करूँगा। आज ऐतिहासिक पोखरे पर बताए रास्ते पर चलने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम सभी कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत श्रद्धे श्याम प्रसाद मुखर्जी जी की 120 हम सभी आज उनके अंजलि अर्पित कर आज 120 दीपक जलाने का यहाँ काम किए हैं। श्याम प्रसाद मुखर्जी जी का पूरा जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। आज़ाद हिंदुस्तान यदि किसी का इस अखंड भारत को बनाए रखने में बलिदान हुआ, देश के सभी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उस नारे को चरितार्थ किया गया, कश्मीर से धारा 370 समाप्त किया गया। आज हम सभी यहाँ सूर्यकुंड के ऐतिहासिक पोखरे पर अपने राष्ट्र नेता, हम सभी के प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय श्याम प्रसाद मुखर्जी जी की 120वीं जन्म जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज उनके चित्र पर यहाँ पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया एवं 120 दीपक जलाने का काम समरेंदु जी और शीतल जी के तत्वाधान में आज यहाँ आयोजित किया गया। हम समरेंदु जी और शीतल जी को बधाई देते हैं कि ऐसे राष्ट्र नेता को याद करने के लिए यह सूर्यकुंड का ऐतिहासिक पोखरा एक स्थान चुना है, जहाँ से एक संदेश जाएगा पूरे इस सूर्यकुंड और इस पूरे गोरखपुर को कि हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निश्चित ही अपने इन्हीं महापुरुषों के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, जो कभी हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नारा लगाया करते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, उस नारे को चरितार्थ करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा कश्मीर से धारा 370 समाप्त किया गया। आज के इस शुभ दिन के अवसर पर हम सभी अपने लोकप्रिय जन नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं एवं उनको नमन करते हुए याद करते हैं, ताकि आगे हम सभी ऐसे अपने महामुनियों से प्रेरणा लेते रहें और आगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बताए रास्ते पर काम करते रहें, उनके पदचिन्हों पर चलते रहें।